बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 7। और यूनिट नंबर 7 है जी मेरे पास सोल्यूशन। इसी में आज आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। मैंने आपके साथ इसका रीडिंग वगैरह शेयर कर दी थी, तो आज मैं आपके साथ इसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। तो पेज नंबर है जी 90। पेज नंबर 90 पे आ जाइए। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चूज द करेक्ट आंसर। अ सोल्यूशन इज मेड बाय, सोल्यूशन कब बनता है? एडिंग अ सोल्यूटेंट टू अ सॉल्वेंट। जब हम लोग सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है। व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट? कौन सा ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारे पास सोल्यूट की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है, तो वो डायल्यूट सोल्यूशन होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर? ऐसा कौन से इनमें से सब्सटेंस है, कौन सी चीज़ है जो वाटर में कभी भी डिजॉल्व नहीं होती? वो ऑयल है। देखिए, अगर आप लोग पानी के अंदर थोड़ा सा एक ड्रॉप ऑफ ऑयल, एक ड्रॉप ही डाल देंगे ना तेल का, तो वो तेल ऊपर फ्लोट करने लग जाएगा, वो कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन बी डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ लिक्विड। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। यूज दिस वर्ड टू फिल इन द गैप्स इन द सेंटेंसेस। अजीज एडेड शुगर टू हिज टी अंटिल नो मोर विल डिजॉल्व। ही हैड मेड अ सॉल्यूशन सैचुरेटेड। शुगर विल डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट इज सॉल्युबल। चीनी क्यों चीनी में पानी में डिजॉल्व हो जाती है? क्योंकि चीनी सॉल्युबल है, मिक्स हो सकती है। जबकि अगर हम लोग फ्लोर विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। फ्लोर आटा कभी भी पानी में नहीं डिजॉल्व होगा क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। To produce sugar from the sugar solution, you need to allow the water to evaporate. अगर हम लोगों को चीनी वापस चाहिए पानी में से, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को इतनी हीट पानी को देनी पड़ेगी कि वाटर सारा इवेपोरेट हो जाए, वाटर वापस के फॉर्म में, और नीचे जो रह जाएगी हमारे पास चीनी रह जाएगी। ठीक है। द सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। सम स्टूडेंट्स डिड एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट इफ फ्रूट जेली डिसॉल्व मोर क्विकली इन वाटर एट अ हाई टेम्परेचर। द टेबल शो द रिजल्ट। अब कुछ स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट किया कि फ्रूट जेली को उन्होंने ना पानी के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर यानी चूल्हे पे रखकर उन्होंने ना फ्रूट जेली को मिक्स करना शुरू किया, और उन्होंने ये देखा कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर फ्रूट जो जेली है वो बहुत जल्दी से पानी में डिसॉल्व हो जाती है। ये टेम्परेचर दिए हुए हैं, ये फ्रूट जेली दी हुई है। नेम टू फैक्टर्स और वेरिएबल्स दैट शुड हैव बीन कैप्ट द सेम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द एक्सपेरिमेंट वॉज अ फेयर टेस्ट। अब वो ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि हम लोगों को सेम रखने पड़ेंगे ताकि पता चल जाए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारा सही है। ठीक है। एक तो हम लोगों को अमाउंट ऑफ जेली, फ्रूट जेली सेम रखना पड़ेगा, और एक वाटर का जो अमाउंट है उसको सेम रखना पड़ेगा। ये दो फैक्टर हैं, इनको हम लोगों को सेम रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को सिर्फ हमने चेंज करना है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द स्टूडेंट रिजल्ट, लेबल द एक्सिस ऑफ द ग्राफ एंड ड्रॉ अ लाइन टू बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट। ठीक है। आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देख लीजिए, मिनट्स वाला वाई एक्सिस पर टेम्परेचर हमने एक्स एक्सिस पर रखना है। ठीक है। और फिर ये इस तरह से करके हमारा ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं। देयर इज अ वन रिजल्ट विच सीम टू बी रॉन्ग। अब इस टेबल में एक ऐसा भी टेम्परेचर है जो कि रॉन्ग है, गलत है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द ग्राफ ऑन, अब वो कौन सा है? 60 सेल्सियस पर 9 मिनट 1 सेकंड टाइम नहीं लग सकता, जल्दी होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट रोट दिस कंक्लूजन इन हिज बुक। अब एक कंक्लूजन, इस एक बच्चे ने ना कंक्लूजन दिया। ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द वाटर डिड अफेक्ट हाउ क्विकली द जेली डिजॉल्व। वो उसने कंक्लूजन में कहा कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो जेली को इफेक्ट करेगा, कि जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा वाटर का उतना ज़्यादा जल्दी जेली डिजॉल्व होगी। द अदर स्टूडेंट सेड दैट दिस वॉज रॉन्ग अ साइंटिफिक कंक्लूजन। और अगले दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि नहीं, ये इसकी साइंटिफिक इक्वेशन जो उसने कंक्लूजन दिया है ये गलत है। Why do you think they said that? आप क्या सोचते हैं उसने ये बात क्यों कही? ठीक है। Because this conclusion does not specify the relationship between temperature and dissolving rate. क्योंकि उसने इस अपनी कंक्लूजन में बताया ही नहीं कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर था जो कि डिजॉल्विंग रेट पर इफेक्ट कर रहा है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए था, उसने तो ये बात बोली नहीं। ठीक है। अब राइट अ मोर साइंटिफिक कंक्लूजन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब आप बताएं कि क्या होना चाहिए। टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस द डिसोल्यूशन रेट ऑफ द जेली इन वाटर। ये इसकी करेक्ट कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर।
और इसके अंदर व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्ट की अमाउंट क्या है 20 ग्राम और वाटर कितना है 100 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्ट ये है, मास ऑफ वाटर ये है। मास ऑफ किसी भी चीज का मास, टोटल मास फाइंड करने के लिए मास ऑफ सॉल्ट कर देंगे प्लस मास ऑफ वाटर कर देंगे। ठीक है, यानी दोनों के मैसेज को ऐड कर देंगे। तो 120 ग्राम द मास ऑफ सॉल्यूशन इज, मास कितना है सॉल्यूशन का, यानी जब पानी और सॉल्ट आपस में डिसॉल्व हो गए तब इनका कितना मास बन गया 120 ग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं डिफाइन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को डिफाइन करें एंड गिव टू एग्जांपल, और दो एग्जांपल के साथ बताएं। ठीक है, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर वन सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अनदर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है जहां पर एक चीज दूसरे चीज के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो रही है। जिस तरह से अगर हम लोग शुगर, शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास शुगर जो है वो क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट है वाटर, यानी कि वाटर के अंदर कौन क्या डिसॉल्व कर रहे हैं, हम लोग शुगर को डिसॉल्व कर रहे हैं। इस तरह से सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन को देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, जब पानी के अंदर हम लोग नमक को डिसॉल्व करें, विच इज द सॉल्यूट एंड विच इज द सॉल्वेंट। अब उसमें सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन के अंदर देखिए, तो सॉल्यूट जो होगी वो हमारे पास सॉल्ट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास वाटर होगा। ठीक है, अब पार्ट नंबर फोर को देख लीजिए, गिव अनदर नेम फॉर द वीक सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन का एक और नाम भी क्या है, ठीक है वो बताएं। अ वीक सॉल्यूशन इज कॉमनली रेफर टू एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, वीक सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ सॉल्यूशन व्हिच हैज अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि हमारे पास जब एक छोटी सी अमाउंट का सॉल्यूट, यानी कि शुगर, थोड़ी सी शुगर पानी के, ज्यादा सारे पानी के अंदर डिसॉल्व की जाए तो हमारे पास वीक सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करें, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन दैट कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। यानी कि आखिरी हद तक एक पानी की, एक वन ग्लास ऑफ वाटर है, उसकी कैपेसिटी है कि वो कितनी ज़्यादा शुगर को अब्जॉर्ब करेगा। अगर उसकी कैपेसिटी से एक्सीड करेंगे तो चीनी के अंदर, तो चीनी तो पानी में डिजॉल्व नहीं होगी। अब मैं पूरा ड्रम, एक ग्लास, पूरा ड्रम भर के चीनी एक ग्लास उसके अंदर डाल दूँ पानी के अंदर, क्या डिसॉल्व होगी, नहीं होगी ना। ठीक है, तो वो एक एक कैपेबिलिटी होती है एक ग्लास पानी की भी कि वो इस हद तक चीनी को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो उस कैपेबिलिटी को, उस कैपेसिटी को कि हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग व्हाट इज द मोस्ट प्लेंटीफुल लिक्विड सॉल्यूशन ऑन अर्थ, द मोस्ट प्लेंटीफुल लिक्विड सॉल्यूशन ऑन द अर्थ इज सी वाटर। सी वाटर इज अ नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ वेरियस सॉल्ट मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक हो गया जी, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेम वन कॉमन सॉल्वेंट अदर देन अ वाटर, कोई एक ऐसा कॉमन सॉल्वेंट जिसमें वाटर को हम लोग हर जगह यूज करें, इस तरह से कोई और ऐसा भी है जिसको हम लोग हर जगह यूज करें, तो वो क्या है, एथेनॉल इज विच इज यूज एज कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री, लेबॉरेटरी इंडस्ट्री, फ्यूल, परफ्यूम्स एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, नेम वन कॉमन सॉल्वेंट, अच्छा ये हो गया। वट इज द, वट इज मेंट बाय द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस के मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही बात तो मैंने आपको बताई कि एक मैक्सिमम अमाउंट के उस कितनी देर में या कितनी चीज, एक ये चीज चीनी जो है वो कितनी देर तक, कितना, कितनी अमाउंट ऑफ चीनी पानी में डिसॉल्व, इस इतने अमाउंट ऑफ पानी में डिसॉल्व हो सकती है, वो उसकी स्पेसिफिक अमाउंट है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पर। नंबर 1 देख लीजिए, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज डिस्क्राइब एज अ सॉल्यूशन, व्हाई, जो ये जो हम लोग कोको कोला वगैरह है ये हम लोग उसको, हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन है, क्यों सोल्यूशन क्यों है, सोल्यूशन इज अ सॉफ्ट ड्रिंक इज कंसिडर्ड एज अ सोल्यूशन बिकॉज इट मेट द डेफिनेशन, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस वेयर वन सब्सटेंस इज अ सॉल्यूट एंड अदर सब्सटेंस इज अ सॉल्वेंट। इन सॉफ्ट ड्रिंक सॉल्यूट इज शुगर फ्लेवर एक्सेट्रा व्हाइल द सॉल्वेंट इज वाटर। वो कह रहे हैं सॉफ्ट ड्रिंक को हम लोग सोल्यूशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक, ये जो सोल्यूशन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरती है कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो। अगर हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर देखें तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हमारे पास जो शुगर है या फ्लेवर जो उसके अंदर डाला हुआ होता है वो हमारे पास मास सोल्यूट है और वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अच्छा, हाउ कुड यू मेक अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वीकर, किस तरह से हम लोग एक कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को वीक कर सकते हैं, टू मेक द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन वीकर यू कैन ऐड मोर सोल्यूट फॉर एग्जाम्पल वाटर टू द सोल्यूशन। किसी चीज़ को वीक करना है तो उसके अंदर उतना ही चीज़ ज़्यादा डाल दो, वाटर डाल ज़्यादा डाल देंगे, कंबाइन द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन विद अ वीकर सोल्यूशन, या फिर किसी उस सोल्यूशन को किसी वीक सोल्यूशन के साथ ऐड कर दो तो वो खुद ही वीक हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इफेक्ट डज वार्मिंग हैज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, वार्मिंग का क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन के ऊपर इफेक्ट होता है, वार्मिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन हैज सेवरल इफेक्ट, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी,
चेंज इन कंसंट्रेशन, इन्हेंस रिएक्टिविटी, चेंज इन सॉल्यूशन प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमाउंट ऑफ अ गैस दैट विल डिसॉल्व इन अ लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ अ गैस दैट हैज बीन दैट कैन डिसॉल्व इन अ लिक्विड। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीज, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेज द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेज। यानी कि जब टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो गैस की सॉलिड लिक्विड गैस जो है वो लिक्विड के अंदर कम तेजी से डिसॉल्व होगी, और जब डिक्रीज होगा तो गैस इजीली डिसॉल्व इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, उसकी अमाउंट डिक्रीज हो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं फिफ्थ पर। इफ यू वर गिवन गिविंग अ सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, हाउ विल यू यूज वन और टू क्रिस्टल्स ऑन द सॉल्यूट टू फाइंड वेदर द सॉल्यूशन आर अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। अगर आपको कह रहे हैं एक ट्यूब दी जाए तो उसके कहा जाए दो क्रिस्टल के जरिए आप बताओ कि ये सॉल्यूशन जो है या अनसैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। इफ यू एड वन क्रिस्टल ऑफ द सॉल्यूट टू द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व द क्रिस्टल बिहेवियर। इफ द क्रिस्टल कंप्लीटली डिजॉल्व, the solution is saturated. If the crystal does not dissolve and settle at the bottom of the solution, it is saturated. If the solution start to dissolve but then stop and excess solute precipitate out, the solution is super saturated. यानी अगर वो crystal solution dissolve हो जाते हैं तो वो unsaturated solution है। अगर वो dissolve नहीं होते वो crystal और वो bottom पे आके बैठ जाते हैं तो वो saturated है। और अगर कुछ crystals जो होते हैं वो dissolve हो जाते हैं और बाकी सारे ना यूँ उभर के बाहर आ जाते हैं क्रिस्टल्स, तो वो सुपर सैचुरेटेड हैं। कुछ अमाउंट डिजॉल्व हो गई, कुछ नहीं, तो वो सुपर सैचुरेटेड है। ठीक है। अच्छा, पार्ट नंबर सिक्स पर आ जाते हैं। व्हाट डज दैट व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ अ सॉरी व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के ऊपर क्या है, टेम्परेचर हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। मोस्ट सॉलिड सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। गैसेज के अंदर देखें सॉलिबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, और लिक्विड के अंदर देखें सॉलिबिलिटी जनरली लेस अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट टू रहेगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन और सस्पेंशन का डिफरेंस ये रहा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, और राइट यूजेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के यूजेस। सॉल्यूशन हमारे पास मेडिकेशन में भी यूज कर रहे हैं हम लोग क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में भी, लेबॉरेटरी सेटिंग में भी, पर्सनल केयर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और भी ऐसे बहुत से यूजेस हैं जो हम लोग सॉल्यूशन का जहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई सा भी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, सबको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।